हेलो गाइस, आज है रामनवमी और नागपुर की सबसे बड़ी शोभा यात्रा हम आपको दिखाएंगे। अभी हम राम मंदिर जा रहे हैं, पर पोदेश्वर राम मंदिर नहीं जा रहे, दूसरे राम मंदिर में जा रहे हैं। तो हम आपको मंदिर में दर्शन कराएंगे और फिर शोभा यात्रा, सबसे बड़ी शोभा यात्रा 3 साल बाद बन रही है। तो बने रहे हमारे साथ और एंजॉय करें ब्लॉग। आपने दर्शन कर लिया होगा भगवान राम, श्री प्रभु श्री राम का। मैं जो एरिया में वो एरिया में अराउंड 7 बजे कुछ आएंगी, जब पूरे लाइट्स वगैरह लगे रहेंगे। अभी तो वैसे निकल गई है राम मंदिर से शोभा यात्रा। इस बार कुछ 3.5 किलोमीटर की शोभा यात्रा है, अराउंड 75 to 100 कुछ झांकियाँ हैं। तो सब झांकियाँ दिखाएंगे, एंजॉय करेंगे और बने रहे नागपुर के शोभा यात्रा पे। तो गाइज, अभी हम निकल रहे हैं शोभा यात्रा देखने के लिए और थोड़ा पैदल चलेंगे, प्रसाद खाएंगे बहुत सारा और शोभा यात्रा देखेंगे। ये मैडम भी तैयार हो गई है, इसका पैसा भी देखो, अच्छा पैसा है ना। तो अभी हम देखते शोभा यात्रा और आपको दिखाते। और ये भी परी आ गई, हाय करो परी। चलो मिलते हैं। जय श्री राम।
के उपरांत भगवान शिव ने अपने आप को समाधिस्थ कर लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ सती का पुनर्जन्म माँ पार्वती के रूप में हुआ और कालांतर में माँ पार्वती मूर्तिकार अभिषेक कायमकर लाइटिंग